क्या आपके बाल प्रेगनेंसी के दौरान झड़ रहे हैं और आप इसके बारे में सलूशन जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहले ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं नॉर्मली। इसका कारण है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का बढ़ना। वैसे तो देखा जाए प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। ड्यू टू प्रेगनेंसी फ्लक्चुएशन हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर हॉर्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के साथ मिलके आपके बोन हेल्थ को थोड़ा सा कमजोर कर देता है एंड इसीलिए आपको कैल्शियम इंटेक लेने की एडवाइस मिलती है। अब इस कैल्शियम को आप लेने के बाद भी उसका एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं, वो भी ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक कारण तो मैंने बता दिया कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना ही एक मेजर कारण है आपके बालों के गिरने के लिए। दूसरा कारण ये है कि आपके फीटस की बॉडी अंडर डेवलपमेंट होती है, उसका बोन हेल्थ भी आपके शरीर के ऊपर, आपके कैल्शियम इंटेक के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए पहले ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली बोन हेल्थ और ऑल द ऑर्गन्स इन द फीटस बॉडी डेवलप फास्टर एंड इसीलिए आप जो भी खाते हो वो पूरा का पूरा मोस्टली आपका बच्चा लेता है एंड इसीलिए आपको ऐसा महसूस, कमज़ोर महसूस होता है, मोस्टली बैक पेन होता है एंड पहले ट्राइमेस्टर में नौसिया, वोमिटिंग ये भी समस्या होती है। इसीलिए आप जो खा रहे हो वो शायद पचता नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? सॉल्यूशन बहुत सीधा है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना आप डरोगे उतना स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और उससे ज़्यादा बाल गिर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। जैसे ही आप 15th वीक में जाओगे या सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करोगे, आपकी बॉडी इस लेवल को कोप अप कर सकती है एंड इसीलिए पहले ट्राइमेस्टर में आपको कुछ बातें याद रखनी है जिसकी वजह से आप इस समस्या को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। सो ये तीन बातें मैं बता रही हूँ जो आप नोट डाउन कर सकते हो। सो सबसे पहले खाना, फूड इज एवरीथिंग। आप जो खाते हो वो बहुत ही इत्मीनान से खाइए, ध्यान दे के खाइए। फूड इज वेरी इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम डाइजेस्टिंग दिस फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आपको खाना खाना और उसको पचाना, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। सो खाने में स्पेसिफिकली कैल्शियम रिच फूड को इंक्लूड करना है, तो नट्स है या फ्रूट्स में आप विटामिन सी इंक्लूड कर सकते हो जो पचाने के लिए भी हेल्प कर सकता है। सो खाने में प्रोटीन रिच एग का इंक्लूड करना या आप सोयाबीन इंक्लूड कर सकते हो। आपको एवोकाडो फ्रूट है वो आप खा सकते हो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, देर आर सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल। सो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो और न्यूट्रिशनिस्ट टू अरेंज योर डाइट, बट दीज आर सम फूड विच यू कैन इंक्लूड इन द फूड इनटेक। नाउ नेक्स्ट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन। तो आपने जो खाया है, कैल्शियम पहुँचाया भी है, तो इसको सर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से ही वो आपके बच्चे के पास जाएगा। और पहले ट्राइमेस्टर में अब तक आपके बच्चे का जो कम्युनिकेशन, सर्कुलेशन होता है, जो प्लेसेंटा एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड, वो डेवलप नहीं हुई है। इसके लिए डायरेक्ट ही आपके शरीर से वो एब्जॉर्ब करके बच्चे के में जाने वाला है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हो? सिंपल, आप वॉकिंग करो, खाने के बाद थोड़ा 100 steps चलना, शतपावली हम बोलते हैं वो कर सकते हो, या अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग इज नॉट ओनली रिड्यूस योर स्ट्रेस बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और काफ़ी सारे हल्के एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, योग प्रैक्टिस जब आप शुरू करते हो तो पहले लूजनिंग प्रैक्टिस दी जाती है जिसमें आप छोटे जॉइंट्स जो है, जिसको आपके फिंगर्स या रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, इन जॉइंट्स का मूवमेंट करना, तो ये छोटे छोटे जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो आप कर सकते हो। अब तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट, आराम करना।
तो बैलेंसिंग योर एक्टिविटी एंड रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट हैपन्स ड्यूरिंग योर स्लीप टाइम. सो आपने जो खाना खाया, एक्सरसाइज किया, इसको अपने शरीर में लागू करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है. तो आपकी नींद शांत होने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं अपने प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर रही हूँ, अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए मैं जो भी एफर्ट लगेगा वो मैं कर रही हूँ और मेरा बच्चा अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है. तो इस एटीट्यूड से आप अपने प्रेगनेंसी को नर्चर कीजिए. और अगर आपको कुछ भी समस्या है इस बालों के गिरने की लिए तो आप कमेंट में मुझे पूछिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. एंड फिर से मैं रिमाइंड करती हूँ, अगर आपको इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए भूलिए मत. धन्यवाद.